ये वो रेलवे स्टेशन बरेली के बाद जो कि उत्तराखंड को दो हिस्सों में डिफ्रेंशिएट करता है। यहाँ पे यहाँ से अगर आपको पिथौरागढ़, धारचूला, डीडीहाट की तरफ जाना है तो भोजीपुरा उतर के आपको ट्रेन पकड़नी होगी टनकपुर के लिए, जो कि ये पीलीभीत के लिए जा रही है। देखिए मुंशियारी सभी एरियाज के लिए। और दूसरा उत्तराखंड का जो मुख्य पार्ट है वो है रानीखेत, अल्मोड़ा और गढ़वाल। रानीखेत, अल्मोड़ा और गढ़वाल के लिए आपको ट्रेन यहीं भोजीपुरा से ही बदलनी होगी, और वो जो ट्रेनें लाल कुआँ, हल्द्वानी, काठगोदाम जाएंगी वो ट्रेन आपको हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बाबा के कैंची धाम और गढ़वाल के लिए ले जाएंगी। तो ये आपका डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है, ये यहाँ पे आपको ट्रेन बदल देनी है भोजीपुरा जंक्शन। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2, 1 में जाने के लिए आपको इधर पार करना पड़ेगा। अभी जो ट्रेन गई है ये पीलीभीत तक जाएगी। इसके अलावा एक और ट्रेन जो कि शताब्दी है वो दिल्ली से आती है, टनकपुर तक जाती है, और कासगंज से भी एक स्पेशल ट्रेन टनकपुर के लिए जाती। बाकी बरेली से बाघ एक्सप्रेस सवेरे और बरेली सिटी से और ट्रेनें हैं जो कि आपको लाल कुआँ और ये एरियल व्यू ऊपर से फुट ओवर ब्रिज के पास से ये रोड ऊपरगामी सेतु कहें या रोड ओवर ब्रिज है, जो कि आजकल के ट्रांसपोर्ट की पहचान है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये एक नया जंक्शन मार्केट का फुट ओवर ब्रिज से व्यू पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक। और ये वही ऊपरगामी सेतु, नीचे सर्विस लेन, ये मार्केट आज बाजार लगी हुई है जिसकी वजह से बहुत भीड़। जय गुरुदेव, जय महाकाल। बाबा की हेतु की कृपा और प्रेरणा की वजह से आज अब भोजीपुरा में भी क्लिप दिखाने का मौका मिला। सिटी से जो पीलीभीत के लिए जो ट्रेन है वो 2:25 पे है, उसके पहले त्रिवेणी एक्सप्रेस जो कि 4:30 करीब टनकपुर पहुंचती है, और उसके बाद अब आगे की जर्नी तो सेम डे बहुत नहीं कर सकते क्योंकि चंपावत, लोहाघाट तक तो जा सकते हैं, लेकिन ऊपर पिथौरागढ़ तक जाने के लिए आपको रिज़र्व सीट बेसिस पे टैक्सी लेनी पड़ेगी। ये प्रतीक्षालय महिला, कोई ट्रेन अब इधर से आने वाली है और दूसरी एक ट्रेन अभी लाल कुआँ के लिए जाने वाली ट्रेन भी आएगी, लेकिन अभी उसका टाइम है कम से कम 1 घंटा से ऊपर। टिकट घर, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, शिशु देखभाल कक्ष और ये टिकट खिड़की, और ये समय का सदुपयोग ही उन्नति का मूल मंत्र है।
के पास लाल कुआं की तरफ जाने के लिए एक तो आजगंज काशीपुर है 0-53-36 5:31 पे, और बरेली सिटी काशगंज लाल कुआं है 8:16 8:18 पे लाल कुआं के लिए, और पीलीभीत के लिए बरेली सिटी से पीलीभीत 9:08 पे यहाँ आएगी, और एक 6:50 पे आएगी। 2:30 के बाद की है ये ट्रेनों की। जय बाबा, जय बजरंग बली। ये भोजीपुरा की मार्केट है, और ये भोजीपुरा जंक्शन स्टेशन का व्यू बाहर मेन रोड से रोड ओवरब्रिज के नीचे से सर्विस लेन के पास से ये टेम्पो उनके जाते हैं लोग विक्रम जा रहे हैं, और ये बस पकड़ने के लिए हमें आगे तक जाना पड़ेगा। चलिए एक बार देखते हैं, क्योंकि अगर बस पकड़नी है तो फिर आगे तक जाना ज़रूरी है। कुल मिला के बरेली, बरेली सिटी, बदायूं, ये सब मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। राधे श्याम स्वीट हाउस भोजीपुरा, ये मार्केट यहाँ की। खान पान सेवा हाँ, स्वेटर जाड़ा क्योंकि बढ़ रहा धीरे धीरे। भोजीपुरा जंक्शन का एक और एंट्री गेट, वास्तव में यहाँ टहलने का मौका मिला है। वैसे आइजत नगर तो इसके पहले एक बार मौका मिला था। भोजीपुरा जंक्शन का ये थैंक यू का फिल्म, करीब करीब ये नियम है, ये भोजीपुरा जंक्शन का डिस्प्ले बोर्ड। नियम ये है कि 2-3 घंटे के अंदर, 2 से 3 घंटे तक आपको यात्रा अपनी शुरू कर लेनी है। लेकिन अगर कनेक्टिंग ट्रेन जैसे कि मेरे मामले में, जो कि मथुरा से कासगंज, कासगंज से बरेली, और बरेली से लाल कुआँ, कासगंज से बरेली वाली ट्रेन क्योंकि लेट हो गई, जिसकी वजह से वो ट्रेन छूट गई। अब अगली ट्रेन 5:31 पे 29 पे आएगी, 31 पे जाएगी, वही पकड़ने का मौका है। ये पूरा व्यू प्लेटफॉर्म का। जय गुरुदेव, जय महाकाल।